देखिए, अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो जहां ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए किस हीट वेव टू सीवियर हीट वेव काफी राज्यों में जो प्रिवेल करी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी। बीच में थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था जब हवाएं बे ऑफ बंगाल से आई थी, लेकिन अभी वही सिनेरियो बना हुआ है। अभी बहुत सारे राज्यों में, जिन राज्यों को मैंने बताया, टेम्परेचर 47 डिग्री से भी ज्यादा है। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, हमारा यही अनुमान है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो बना रहेगा 2 दिन के लिए। इसके लिए हमने वहां रेड अलर्ट दे रखा है। उसके बाद डे 3 के बाद क्या होगा, जो हवाएं हैं वो अरबियन सी से आएंगे। अगर जरा सैटेलाइट पिक्चर से आपको दिखाना चाहूंगा, हवाएं अरबियन सी से आएंगी और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इन्फ्लुएंस करेगा। उसके कारण क्या है कि जब हवाएं आपकी अरबियन सी से आएंगी, वो ठंडी हवा होगी, तो वो टेम्परेचर्स में थोड़ा ड्रॉप कर देंगी। सिमिलरली WDs के कारण भी वो क्लोडी रहेगा, दोनों एसोसिएटेड हैं। तो इसमें टेम्परेचर्स जैसे 28-29 को हमने रेड अलर्ट दे रखा है। उसके बाद थोड़ा 30 से राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा अनुमान है कि 1 जून तक टेम्परेचर्स काफी ड्रॉप होने चाहिए और जो हीट वेव है वो ऑलमोस्ट वेट होनी चाहिए, जो आइसोलेटेड पॉकेट्स में ही रह सकती है। देखिए, मैं आपको सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप देखिए, जहां काफी क्लाउड पैच बने हुए हैं। इससे पहले हमने जो केरला ऑनसाइट के लिए डेट दिया था 31 मई, कल हमने जो स्टेटमेंट दिया हमने दिया है 5 डेज, और आज जो हमारा स्टेटमेंट है आने वाले 3 से 4 दिनों तक जे केरला में मानसून ऑनसेट हो सकता है। इसके अलावा रेनफॉल एक्टिविटी की बात करें तो इस समय केरला की जो हवाएं हैं वो 25 नॉट मीन 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में लो लेवल पे मीन 0.9 या 1 किलोमीटर के पास चल रही हैं। उसके प्रभाव से वहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। एक्सट्रीमली मीन 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। तो उसके साथ ही 3-4 दिन के बाद जो कंडीशन फेवरेबल बनेगी मानसून की, तो आपका केरला में ऑनसेट, उसके साथ अरबियन सी के कुछ हिस्से कवर हो जाएंगे, बे ऑफ बंगाल के कुछ हिस्से और जाएंगे। इसके अलावा जो रेनफॉल एक्टिविटी है, जो साइक्लोन का रेमिनेंट है जो अभी बांग्लादेश में है, उसके प्रभाव से आज भी वहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसलिए हमने काफी राज्यों में, जितना भी इवन अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में आज के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद वहां रेनफॉल एक्टिविटी की कमी हो जाएगी और सिस्टम भी वीक हो जाएगी।